हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। और ये आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेसिक सी आलू शिमला मिर्च की सूखी सब्ज़ी। ये बहुत ज़्यादा यम बनती है और बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ों से बनती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई चढ़ा ली है, तो उसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे हम लोग, और फिर मैं इसमें अपना डाल दूँगी ओलिव ऑयल। ठीक है, तो आप इसको सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है उसमें भी, रिफाइंड में भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यही है, और ये ज़रूर बनाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है ये ना। बहुत ज़्यादा इस तरह से बनाए जिस तरह से बना रही हूँ और बताऊँगी आपको, तो पूरा वीडियो वॉच करना, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा इसका। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से क्यूमिन सीड्स डाल दिए, एक छोटी चम्मच भर के डाल दिए यहाँ पर। बहुत ज़्यादा मतलब कुछ भी, कोई ऐसा मसाला नहीं चाहिए जो कि आपके घर में अवेलेबल नहीं होगा, सब आपके घर में अवेलेबल ही होते हैं ये सब चीज़ें, बहुत ही बेसिक से इंग्रेडिएंट हैं। तो यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का मैंने ऑनियन ले लिया है और उसको फाइनली चॉप कर लिया है। ठीक है, और उसको अच्छे से भून लेंगे। भूनना बहुत अच्छे से है, एकदम मतलब मसाला जो है एकदम मस्त बनाना है। ठीक है, डार्क ब्राउन कलर का करना है, देख सकते हैं इस तरह से प्याज आपको भूनना है ना। प्याज अच्छे से भुना हुआ ही अच्छा लगता है, और टमाटर मसाले अच्छे से भुने हुए हो तो उसका टेस्ट ही कुछ और होता है सब्ज़ी में। फिर यहाँ पे एक छोटा मीडियम साइज़ का मैंने टमाटर ले लिया, उसको भी चॉप कर लिया है, और इसको भी अच्छे से भून लेंगे हम लोग। ये देख सकते हैं प्याज एकदम सॉफ्ट हो गया है ना। तो यहाँ पे मैंने वीडियो थोड़ा फास्ट कर दिया था, तो ये टमाटर यहाँ पे अच्छे से हो गए हैं। और ये देखिए, मैंने यहाँ पे छोटी चम्मच हल्दी पाउडर की डाल दिया है। बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ चाहिए बस, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है, ये भी बहुत अच्छा टेस्ट देता है सब्ज़ी में। और यहाँ पे लाल मिर्ची डाल दी थी आधे चम्मच, छोटी चम्मच। ठीक है, सो गाइस, इसमें हरी मिर्ची नहीं डाले आप, वो मतलब इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता उसका। और बस छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। और इसमें इस टाइम मैंने जो है ना गैस का फ्लेम सिम पे रखा है, बहुत ज़्यादा लो रखा है। तो यहाँ पे एक छोटी चम्मच नमक डाल दिया है मैंने, तो मीडियम सॉल्ट ही खाते हैं, तो नमक अगर ज़्यादा खाते हैं आप लोग तो थोड़ा ज़्यादा डाल लीजिए। ठीक है, बट लाल मिर्च में ही इसको बनाएं आप। ठीक है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप तड़के में लाल सूखी मिर्च आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक दो पिंच यहाँ पे डाल लिया है हींग का, बस और कुछ भी नहीं डालना है। ठीक है, तो अभी मैं मिक्स करूँगी, तब वो अच्छे से ये भुनी गए थे क्योंकि बहुत टाइम से मैं डाल रही हूँ। तो यहाँ मैंने लिए हैं 5 आलू है ना मीडियम साइज़ के, उनको चॉप कर लिया है, ऐसे कटिंग कर लिया है उनको। और फिर शिमला मिर्च लिया है मैंने यहाँ पे, 4 बड़े शिमला मिर्च लिए हैं। तो इतनी सब्जी 3 से 4 लोगों के लिए इनफ होती है। ठीक है, तो अगर आपके घर में 3-4 मेंबर है तो आप इस तरह से लीजिए रेशो, नहीं तो फिर आपके यहाँ ज़्यादा है तो थोड़ा और बढ़ा लीजिए। तो यहाँ पे बस मैं कुछ नहीं, इसको मिक्स कर देना है बहुत अच्छे से, जिससे जो मसाला है कोट हो जाए सब्जियों के ऊपर। ठीक है, बिल्कुल भी पानी की आवश्यकता नहीं है इसमें, बस ये इसमें खुद का ही पानी होता है सब्ज़ी में है ना, मॉइस्चर होता है जो उसमें ही पक जाएगी। बस गैस जो है वो आपको कम पे रखना है, और 5 से 10 मिनट में सब्ज़ी एकदम रेडी हो जाएगी, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। ठीक है, जिन लोगों को शिमला मिर्च की सब्ज़ी पसंद नहीं है वो इस तरह से बना के ज़रूर देखिए। आई होप आपको पसंद आए, मतलब मुझे तो डेफिनेटली लगता है, आई ट्रस्ट कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो बच्चे भी नहीं खाते हैं जैसे कि हरी सब्जी है ना, मेरी डॉटर नहीं खाती थी, तो मैंने उसको इस तरह से बना के देती हूँ, वो बहुत ज़्यादा पसंद करती है। इवन वो आलू खाती नहीं है, शिमला मिर्च ही खाती है ऐसे पूरा छांट छांट के। ठीक है, तो चाहे तो आप इसमें जैसे आलू नहीं डालना चाहते तो आलू मत डालिए, ऐसे ही बिना शिमला मिर्च के, सॉरी बिना आलू के आप बना सकते हैं शिमला मिर्च को। ठीक है, जैसे किसी को डायबिटीज़ वगैरह है तो। तो यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है, गैस थोड़ा कम रखना है, लो रखिए या फिर मीडियम टू लो रखिए। तो यहाँ पे ढक्कन मैंने लगा दिया है, और बस ये पक के आपकी 5 से 10 मिनट में रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए कितनी अच्छे से हमारी सब्ज़ी सॉफ्ट हुई है, एकदम मैसी नहीं करनी है। ठीक है, घुली घुली सी नहीं करनी है, ऐसे रखनी है जैसे है ना, सेपरेट सेपरेट, और एकदम सॉफ्ट हो गई है। आप छिलका देख सकते हैं ना शिमला मिर्च का, बहुत बहुत टेस्टी लगती है ये, एकदम जैसे ढाबे वगैरह में कोई सब्ज़ी मिलती है ना इस तरह से लगती है। तो आप इस तरह से बनाएं इसको ज़रूर, और यस अगर
मुझे सपोर्ट किया। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइस। मेरा वीडियो पूरा वॉच कीजिए, अगर वीडियो पसंद आता है उसमें मेहनत दिखती है तो उसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है।